तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक जाधव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई आवेदन किए हैं तो किस तरह से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपकी किस्त आपके खाते में आई है कि नहीं आई है, किस डेट को आने वाली है, किस्त रिलीज हुई है नहीं हुई, पूरी बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में या तो आपका आधार कार्ड हो या तो आपका मोबाइल नंबर हो, इसी के दोनों के हेल्प से आप चेक कर पाओगे। आइए दोनों डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, मैं लाइव आपको चेक करके बताता हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 की जो किस्त मिलती है आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन की मदद से। आइए पूरा लाइव स्क्रीन लगा के देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगाया और आइए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस हम कैसे चेक कर पाएंगे। सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउजर में चलना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा आइए सारी बातें बताते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा पीएम किसान, ठीक है, पीएम किसान लिख के सर्च करना होगा इस तरह से। और आगे की तरफ आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, पीएम किसान की जो साइट है ना यहाँ पे आएगी और किस पे क्लिक करना है आइए पूरी बातें आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे पहले पे आपको दिखेगा pmkisan.gov.in, इसके नीचे पीएम किसान लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे ना तो हम मेन वाली साइट पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमको आवश्यकता है पहुंचने का और जहां पे हम सारा काम अपना कर पाएंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, उस साइट पे हम पहुंच जाएंगे। साइट लोडिंग हो रही है दोस्तों, यहां पे साइट थोड़ी बड़ी है इसलिए टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन यहां पे साइट अभी पूरी अच्छे तरह से आ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों साइट लोड हो रही है और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको और सारी बातें इस पीएम किसान सम्मान निधि की जो साइट है इसके बारे में बताऊंगा। अब आपके सामने मोबाइल में ही प्रॉब्लम होती है इस तरह से ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे प्रोसेस टू pmkisan.gov.in पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया वाला इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मेन वाली जो साइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो साइट है थोड़ा बड़ी है, लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आइए मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा चेक करके अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों साइट ओपन हो रही है, और दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, आप अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर तैयार रखिएगा यहाँ पे स्टेटस को चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए आपके सामने साइट कुछ इस तरह से अच्छे से ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है आइए पूरी बात है आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप हम इस पेज को जूम करना चाहेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा बेनिफिशरी स्टेटस, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर हमको क्लिक करना होगा इस घड़ी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब हमारी साइट फिर से ओपन होगी और हमको अपना आधार कार्ड और नंबर या मोबाइल नंबर में से एक चीज़ चाहिए जिसके मदद से हम स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस चेक करने वाली साइट की तरफ हम चल रहे हैं और यहाँ पे साइट थोड़ी बड़ी है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, और उसके बाद देखिए हम स्टेटस अपना कैसे चेक करेंगे। थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, पूरा डाटा आपका आपके सामने होगा, आपकी किस्त कब रिलीज हुई, कैसे कैसे क्या है, पूरा बायोडाटा आपको मिल जाएगा यहाँ से। दोस्तों देख सकते हैं पेज को हम फिर से जूम करना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए आप अपने आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर तीनों में से कुछ भी आपके पास होगा ना उसकी मदद से आप आसानी से चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करने वाले मोबाइल नंबर की मदद से, ठीक है। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, उसके बाद आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर से चेक करने का प्रयास किया लेकिन दिखा नहीं, अब आइए हम यहाँ पे अपने आधार नंबर के हेल्प से चेक करेंगे। तो सिंपल आधार नंबर हमने अपना फिल किया, अब गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने कैसा इंटरफेस आता है, देख सकते हैं पूरे अच्छे से हमारी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, देख लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, पहली किस्त कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, चौथी कब आई, पाँचवीं कब आई और छठी कब रिलीज होगी, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगा। देख सकते हैं पाँचवीं कब आई थी, मतलब यहाँ पे स्टेटस देखिए डन दिखा रहा है, ठीक है। छठी भी रिलीज होने की तैयारी में है क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोफार्मा आ चुका है, पूरा अपडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से सिंपल स्टेप में। तो दोस्तों ज़रूर बताएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।